हेलो बच्चों, मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। डाउटनेट पर हो रहा है अब तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट में दी जा रही है 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप्स। ये टेस्ट उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं या फिर जेई और नीट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये टेस्ट 18 जुलाई रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में लाइव होगा। जिस बच्चे की रैंक 1 आएगी उसको मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। जिस बच्चे की रैंक 2 या रैंक 3 आएगी उसको मिलेगी 90% तक की स्कॉलरशिप और रैंक 4 से 10 लाने वाले बच्चों को मिलेगी 75% तक की स्कॉलरशिप। और इतना ही नहीं, सभी रैंक्स के मुताबिक आपको अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाएंगी। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं भी आ पाती है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टिसिपेट करने पर आपको 10% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ नियम आपको बता दूं। सबसे पहली बात, स्कॉलरशिप टेस्ट में जितने मार्क्स या स्कोर आपका आएगा, जितने अंक आप अर्जित करेंगे, उसी के मुताबिक आपकी रैंक डिसाइड होगी। सबसे ज्यादा अंक लाने वाले बच्चे को मिलेगी रैंक 1, उससे कम अंक लाने वाले बच्चे को मिलेगी रैंक 2, उससे कम लाने वाले बच्चे को मिलेगी रैंक 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, अगर 2 बच्चों के अंक सेम आ गए, एकदम सेम आ गए, तो अब आप कैसे करेंगे, रैंक कैसे बताएंगे? तो बेटा, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम देखेंगे कि किस बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है और किस बच्चे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी कि किस बच्चे ने पेपर को कम से कम समय में कंप्लीट किया है और किस बच्चे ने कम से कम गलतियां की है। तो पहला जो टाई ब्रेकर होगा, यानी कि अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ गए तो हम ये चेक करेंगे कि किस बच्चे ने पेपर को कंप्लीट करने में कम समय लिया है। जिसने कम समय लिया होगा उसको बेहतर रैंक मिलेगी। अगर किसी बच्चे के मार्क्स सेम हो गए और टाइम भी सेम हो गया, तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एक्यूरेसी का फॉर्मूला, जिसमें हम देखेंगे कि किस बच्चे ने एग्जाम में गलतियां कम करी हैं। तो जिस बच्चे की नेगेटिव मार्किंग कम होगी उसको मिलेगी बेहतर रैंक। तो ये तो हो गए बेटा रैंकिंग से संबंधित कुछ नियम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जिस कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं या जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेई और नीट या एनडीए, उन्हीं वाले एग्जाम के लिए आप रजिस्टर करें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मैं कक्षा 8 का छात्र हूं और मैं कक्षा 8 के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ही अपने आप को रजिस्टर करूंगा और मेरे टेस्ट में कक्षा 7 का सिलेबस मुझसे पूछा जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं कक्षा 12 में हूं या 11 में हूं और मैं जेई या नीट या एनडीए की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे उन्हीं के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होगा और क्योंकि उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये रहा दूसरा नियम आपके कोर्स से संबंधित। अब आपको मैं बेटा बता दूं एक बात कि डाउटनेट का स्कॉलरशिप टेस्ट आज तक 1,00,000 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं और 40,000 बच्चे स्कॉलरशिप्स प्राप्त कर चुके हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, देर ना करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ऑल द बेस्ट।